जस्टिस लीग 2 के इवेंट्स के 5 साल बाद पूरी दुनिया डार्क साइड के कंट्रोल में आ चुकी है। एंटी लाइफ इक्वेशन की मदद से डार्क साइड ने दुनिया की पूरी आबादी को या तो पैराडिमंस बना दिया है या उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। यहां पर एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपने नाइटमेयर सूट में है। वो रेगिस्तान की तरफ एक उजड़े हुए शहर को देख रहा है जो आधा रेत से ढक चुका है। ये शहर कोई और नहीं बल्कि गौथम है, जो आज से 5 साल पहले एक हंसता खेलता शहर था, लेकिन अब रेत का कब्रिस्तान बन चुका है। ब्रूस के साथ कुछ रिबेल्स हैं और जस्टिस लीग के सर्वाइविंग मेंबर्स हैं, जिसमें फ्लैश अपने नाइटमेयर सूट में है और साइबॉर्ग है, जिसकी लोअर बॉडी जस्टिस लीग 2 के इवेंट्स में डिस्ट्रॉय हो गई थी। बैटमैन आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि सूरज ढल रहा है, हमें जल्द से जल्द हेडक्वार्टर पहुंचना है। जस्टिस लीग का जो हाइट पॉइंट है वो वेन मैनर के नीचे अंडरग्राउंड में एक बैट केव है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रीन लैंटर्न जो अपने शिप में है वो अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करता है। उसका शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो अपने रेडियो पे किसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई उसको जवाब नहीं दे रहा। उसका शिप आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ गौथम सिटी में क्रैश हो जाता है। कोई उसके गिरे हुए शिप के पास आता है और दरवाज़ा खोलता है। वो कोई और नहीं बल्कि बैटमैन है। वो हाथ आगे बढ़ा के ग्रीन लैंटर्न को बाहर निकालता है, ग्रीन लैंटर्न जो क्रैश की वजह से थोड़ा सा घायल हो चुका है। अगले ही पल हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न की शिप को ट्रैक करते हुए पैराडिमंस की एक आर्मी बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न पर हमला कर देती है। जैसा कि मैंने बताया, ग्रीन लैंटर्न क्रैश की वजह से थोड़ा घायल है और बैटमैन के पास तो कोई सुपर पावर्स भी नहीं है, तो ये दोनों पैराडिमंस की पूरी आर्मी के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। एक पैराडिमन बैटमैन के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं दूर से एक बुलेट आएगी और पैराडिमन के सर के आर पार हो जाएगी। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि डेडशॉट ने चलाई थी, जो इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बैटमैन का एलाई है। बैटमैन की मदद के लिए यहाँ पे फ्लैश आता है, लेकिन फ्लैश को देख के बैटमैन गुस्सा हो जाता है। बैटमैन फ्लैश से कहता है कि तुम्हारी जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में फ्लैश सबसे इंपॉर्टेंट सुपर हीरो है, क्योंकि यही टाइम में रिवर्स जाके इस अनहोनी को रोक सकता है। फिर भी फ्लैश बैटमैन की बात नहीं सुनेगा और पैराडिमन से लड़ता रहेगा। पैराडिमन्स का एक झुंड फ्लैश पे हमला करेगा। फ्लैश की जान को खतरा है, पैराडिमन्स उसे मारने ही वाले होंगे, लेकिन ग्रीन लैंटर्न पीछे से आके पैराडिमन्स की पूरी टोली को खत्म कर देगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न के बीच में दोस्ती की शुरुआत हो रही है। बैटमैन दोबारा आसमान की तरफ देखेगा और कहेगा हमें देर हो रही है, हमें जल्दी से हाइट पॉइंट तक पहुँचना है। तो बैटमैन, डेडशॉट, फ्लैश, साइबॉर्ग जिसकी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ग्रीन लैंटर्न हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं। हेडक्वार्टर में इनकी मुलाकात होगी मैरा से, मैरा जिसके पास अभी भी एक्वामैन का ट्राइडेंट है और 2 बाल्टी पानी है उसके पास। मैरा ये कहती है कि अब पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है गौथम सिटी में, इसलिए उसे थोड़ा दूर जाना पड़ा था और अपनी वाटर कंट्रोलिंग वाली पावर्स के थ्रू वो ये 2 बाल्टी पानी लेके आई है जस्टिस लीग मेंबर्स के लिए। बैटकेव में ग्रीन लैंटर्न अपने बारे में और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के बारे में जस्टिस लीग को बताएगा। वो उन्हें यह भी बताएगा कि जब से डार्क साइड ने अर्थ पे और अर्थ के नेबरिंग प्लैनेट्स पे कब्जा किया है, तब से यूनिवर्स के इस पर्टिकुलर सेक्टर के ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स मारे गए हैं और शायद उसके अलावा कोई ग्रीन लैंटर्न अब जिंदा भी नहीं बचा है यूनिवर्स के इस सेक्टर में। ग्रीन लैंटर्न बैटमैन से पूछेगा कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है डार्क साइड को रोकने के लिए। बैटमैन उसे अपना प्लान बताएगा, लेकिन ग्रीन लैंटर्न उसके प्लान से कुछ ज़्यादा खुश नहीं होगा। वो ये सोचेगा कि जिस डार्क साइड को ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स मिल के नहीं रोक पाए, उन्हें ये मुट्ठी भर जस्टिस लीग मेंबर्स कैसे रोकेंगे। ग्रीन लैंटर्न के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, वो किसी तरीके से अपने शिप को रिपेयर करे और दूसरे सेक्टर के जो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स हैं उनसे मदद मांग सके। बैटकेव के कॉर्नर में हम देखेंगे साइबॉर्ग, जिसकी लोअर बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी जस्टिस लीग 2 में। वो एक इलेक्ट्रिकल चेयर से पिंड अप है और एक खास तरीके की मशीन पे वर्क कर रहा है। ये मशीन कोई और नहीं बल्कि कॉस्मिक ट्रेडमिल है, जिसके थ्रू फ्लैश पास्ट टाइम में जंप करेगा। साइबॉर्ग और फ्लैश ग्रीन लैंटर्न को टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बताते हैं। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जब फ्लैश ब्रूस वेन से मिला था टाइम ट्रेवल करके,
उस वक्त जो अर्थ के कोऑर्डिनेट्स थे बिल्कुल वही कोऑर्डिनेट्स इस पर्टिकुलर डे में अर्थ के होने चाहिए। उसी वक्त वो लोग कॉस्मिक ट्रेडमिल को ऑन करेंगे और फ्लैश पास्ट टाइम में जंप करेगा। लेकिन कॉस्मिक ट्रेडमिल के पास अकेले इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फ्लैश को पास्ट में इतना बड़ा जंप करा सके, इसलिए उन्हें एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है और वो एनर्जी सोर्स है मदर बॉक्स। साइबॉर्ग फ्लैश से आगे ये भी बताएगा कि मदर बॉक्स और स्पीड फोर्स इनकी कंबाइंड एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि फ्लैश जब पास्ट में टाइम जंप करेगा तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड का ही टाइम होगा ब्रूस को वॉर्न करने के लिए, क्योंकि 10 से 15 सेकंड के बाद ये जो एक्सेसिव एनर्जी है वो फ्लैश की पूरी बॉडी को कंज्यूम कर डालेगी, यानी कि उसे मार देगी। अब ये प्लान बनाया जाएगा कि आखिर 10 से 15 सेकंड में क्या बताया जाए ब्रूस को कि वो तुरंत चौकन्ना हो जाए और ये सब अनहोनी को रोक दे। तो सारे जस्टिस लीग मेंबर ये सोचेंगे कि ब्रूस को जाके ये बताना कि वो लेक्स लुथोर को रोके, क्योंकि अगर ब्रूस लेक्स लुथोर को रोक देगा तो लेक्स लुथोर डोम्सडे को नहीं बनाएगा, तो ना सुपरमैन मरेगा, ना मदर बॉक्स एक्टिवेट होंगे, ना ये पूरी अनहोनी होगी। तो सब जस्टिस लीग मेंबर्स इस पर राज़ी हो जाएंगे, लेकिन बैटमैन के चेहरे पे कुछ अलग ही फीलिंग्स हैं। वो फ्लैश को किनारे ले जाएगा और उसे कहेगा कि अगर तुम पास्ट में जाके मुझसे ये कहोगे कि लेक्स लुथोर को रोको तो शायद ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के इवेंट्स के दौरान मैं तो पहले ही लेक्स लुथोर के पीछे पड़ा था, क्योंकि मुझे ये शक था कि वो केमिकल वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, इसलिए इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे कुछ और बताना होगा। तो फ्लैश कहेगा कि क्या बताना है तुम्हें, ज़रा बताओ। तो बैटमैन फ्लैश के कानों में कुछ कहेगा। अब वो क्या बात है ये ऑडियंस को सुनाई नहीं देगी, लेकिन वो जो भी बात होती है उसको सुन के फ्लैश के चेहरे की रंगत उड़ जाएगी और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो ब्रूस की तरफ देख के कहेगा, क्या सच में, क्या ये सच है? तो बैटमैन कहेगा कि हाँ, तुम यही मुझे बताना। तो अब हम देखते हैं बैटकेव में फ्लैश और साइबॉर्ग कॉस्मिक ट्रेडमिल पे वर्क कर रहे हैं, और बैटमैन जस्टिस लीग टीम से कहता है कि हमें तुरंत उस मदर बॉक्स को चुराना है और जल्दी से जल्दी यहाँ तक आना है, क्योंकि मदर बॉक्स को हम जैसे ही टच करेंगे उसे पता चल जाएगा और वो हमारे पीछे लग जाएगा। ग्रीन लैंटर्न कहेगा कि किसकी बात आप कर रहे हो, वो कौन है? तो मेरा कहेगी सुपरमैन, जो पहले एक प्रोटेक्टर था लेकिन अब डार्क साइड का गुलाम बन चुका है। तो हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है पैराडीमस का, जहाँ पे मदर बॉक्स है। तो फ्लैश और साइबॉर्ग तो बैटकेव में कॉस्मिक ट्रेडमिल को मेंटेन कर रहे हैं, उसे रेडी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बैटमैन, ग्रीन लैंटर्न और बाकी जितने रिबल्स हैं ये सब उस स्ट्रांग होल्ड पे हमला करेंगे। वो कुछ पैराडीमस को जल्दी से मारेंगे और मदर बॉक्स के ठिकाने तक पहुंचेंगे। वहां हम ये देखते हैं कि एक कैथेड्रल है जहां पे प्रीस्ट, एक ह्यूमन प्रीस्ट जो मदर बॉक्स के कहें तो वश में है, वो घुटने के बल बैठा हुआ है और मदर बॉक्स को पूज रहा है। बैटमैन उस मदर बॉक्स को उठाएगा और ये जो पूरी टीम है जस्टिस लीग की, ये वापस भाग के आएगी बैटकेव की तरफ। सुपरमैन को पता चल चुका है कि मदर बॉक्स को जगह से हटाया गया है, तो वो इनका पीछे पीछे फुल स्पीड में उड़ता हुआ आ रहा है। इनके पास टाइम बहुत कम है, तो बैटमैन, ग्रीन लैंटर्न, डेडशॉट, जिस मेरा जितने भी लोग हैं ये भाग के आएंगे बैटकेव में और मदर बॉक्स दे देंगे साइबॉर्ग को। साइबॉर्ग अपने काम पे लग चुका है, फ्लैश भी दौड़ने लगा है, लेकिन फुल स्पीड तक यानी थ्रेशोल्ड स्पीड तक जाने के लिए उसे कुछ टाइम चाहिए, यानी जस्टिस लीग के जो बाकी मेंबर्स हैं उन्हें सुपरमैन को रोक के रखना है थोड़ी देर तक। सुपरमैन वेन टॉवर के पास आता है, दूर बगल में एक टॉवर है जहां पे डेडशॉट छुपा हुआ है। उसके पास केवल एक क्रिप्टोनाइट की बुलेट है, वो क्रिप्टोनाइट की बुलेट सुपरमैन पे मारेगा, लेकिन सुपरमैन उस बुलेट को डॉच कर जाएगा। सुपरमैन उड़ के उस टॉवर की तरफ जाएगा जहां पे डेडशॉट है। डेडशॉट वायरलेस के थ्रू बैटमैन से बात करेगा और कहेगा कि वादा करो तुम इस अनहोनी को रोक दोगे और ये डार्क साइड जिसने मेरी बेटी को पैराडीमन में बदल दिया था, तुम उस डार्क साइड को जीतने नहीं दोगे, मुझसे वादा करो। बैटमैन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुपरमैन उड़ के उस टावर में आएगा, डेडशॉट को पकड़ेगा, उससे पूरा बीच से चीर देगा। सुपरमैन फुल स्पीड से दौड़ता हुआ वेन टावर के फर्श को तोड़ेगा और अंडरग्राउंड वाले बैटकेव में पहुंचेगा।
यहाँ पर हम देखेंगे मैरा, जिसके पास वाटर कंट्रोल करने की पावर है, वो सुपरमैन की बॉडी से फ्लूइड निकाल के उसे मारने की कोशिश करेगी। लेकिन ईविल सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो मैरा के सर को पकड़ेगा और उसे क्रश कर देगा। ग्रीन लैंटर्न अपने ग्रीन लैंटर्न की पावर बीम से हमला करेगा ईविल सुपरमैन के ऊपर। ईविल सुपरमैन अपने हीट विजन से हमला करेगा। अब क्योंकि ईविल सुपरमैन की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ग्रीन लैंटर्न की रिंग उसके सामने कुछ कर नहीं पाएगी। वो हीट विजन ग्रीन लैंटर्न की रिंग में पड़ेंगे और ग्रीन लैंटर्न की रिंग ब्लास्ट हो जाएगी। ब्लास्ट इतना तगड़ा होगा कि ग्रीन लैंटर्न का जो राइट हैंड है वो उखड़ के दूर गिरेगा। साइबॉर्ग, जो इसकी आधी बॉडी डिस्ट्रॉयड है नीचे से, वो किसी तरीके से अपने इनबिल्ड वेपन से सुपरमैन को रोकने की कोशिश करेगा। सुपरमैन उसे पकड़ के पैराडीमंस के बीच में फेंक देगा। पैराडीमंस उसके आर्मर, उसके फेस, उसके हार्ट के चिथड़े उड़ा देंगे। अब फ्लैश स्पीड में दौड़ रहा है, लेकिन अभी तक वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा है, उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। और जस्टिस लीग में केवल बचा है बैटमैन, जिसके पास एक क्रिप्टोनाइट का खंजर है। ईविल सुपरमैन क्रिप्टोनाइट के आगे थोड़ा सा वीक तो पड़ता है, लेकिन अभी भी वो ब्रूस वेन के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल है। बैटमैन उस पर हमला करेगा, लेकिन वो उसका डैगर छीन के बैटमैन के ही सीने के आर पार कर देगा। बैटमैन वहीं मर जाएगा, लेकिन वो इतना टाइम तो दे पाया है फ्लैश को कि फ्लैश थ्रेशोल्ड स्पीड तक पहुंच जाए। सुपरमैन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। फ्लैश थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पाते ही जंप करेगा टाइम में। वो स्पीड फोर्स के अंदर है, वो दौड़ रहा है, पास्ट में जा रहा है। मदर बॉक्स और स्पीड फोर्स की कंबाइन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। फ्लैश को महसूस हो रहा है कि उसका नाइटमेयर सूट धीरे धीरे नष्ट होने लगा है, उसके पास टाइम बहुत कम है। फ्लैश टाइम में जंप करके जस्टिस लीग 2 के इवेंट्स में जाएगा। जस्टिस लीग 2 के इवेंट्स, जब सुपरमैन लुइस लेन को बैटकेव में छोड़ के गया था और बैटमैन से कहता है कि तुम इसकी हिफाजत करो, मैं जाके डार्क साइड से भिड़ता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैटमैन और लुइस लेन बैटकेव में अकेले खड़े हैं और किसी बात पर बहस कर रहे हैं। फ्लैश यहाँ पर दाखिल होगा टाइम ट्रेवल में। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन उसके पास अभी भी 10 से 15 सेकंड का टाइम है। वो बैटमैन की तरफ देखेगा और चिल्ला के कहेगा कि ब्रूस, लुइस तुमसे झूठ बोल रही है, लुइस प्रेग्नेंट है और तुम इसके बच्चे के बाप हो। फ्लैश इतना ही कह पाएगा कि स्पीड फोर्स पूरी उसे कंज्यूम करके उसे जला के राख कर देगी। अब यहाँ पे बैटमैन ये बात सुन के अंदर से पूरी तरीके से हिल चुका है। वो लुइस लेन की तरफ देखेगा, पूरी तरीके से शॉक है वो। यहाँ पे हमें एक सब प्लॉट बताया जाता है। हमें यह बताया जाता है कि बैटमैन विद सुपरमैन में सुपरमैन की डेथ के बाद बैटमैन अपने आप को जिम्मेदार मानता है सुपरमैन की डेथ के लिए, इसीलिए वो बीच बीच में लुइस लेन से मिलता रहता है। और इसी मुलाकात के दौरान हम ये देखते हैं कि ब्रूस वेन और लुइस लेन एक बार फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से लुइस लेन प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो दरअसल ब्रूस वेन का है। अब ये बात सोच के बैटमैन पूरे तरीके से कहें तो शॉक हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा आखिर वो क्या करे। बैटमैन हमेशा क्राइम फाइट करता रहता था, लेकिन कभी उसने अपनी तरफ नहीं देखा कि वो भी एक इंसान है, उसे भी एक फैमिली चाहिए, उसे भी एक बीवी उसके पास भी होनी चाहिए, उसके पास भी बच्चे होने चाहिए जो उसकी लेगेसी को आगे ले जाएं। लेकिन क्राइम फाइटिंग में वो ये सब चीज़ें भूल चुका था। लेकिन अब ये बात हकीकत है, लुइस लेन के पेट में उसका बच्चा है, और वो भी कहें तो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह फील कर रहा है बैटमैन। अब ये सब चल ही रहा होगा बैटमैन के दिमाग में कि एक पोर्टल खुलेगा और डार्क साइड बैटकेव में आएगा। हम जानते हैं जस्टिस लीग 2 के इवेंट से डार्क साइड लुइस लेन को मारने आया है, लेकिन इस बार बैटमैन उसे ऐसा नहीं करने देगा। डार्क साइड ओमेगा वेव्स निकालेगा अपनी आँख से, लेकिन बैटमैन लुइस लेन को बचाने के लिए उसके सामने जंप कर देगा और ओमेगा बीम्स को अपने सीने पे ले लेगा। वो बुरी तरीके से घायल हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम तो उसने डिले कर दिया है डार्क साइड को कि सुपरमैन जो मेट्रोपोलिस से उड़ता हुआ जस्टिस लीग 2 के इवेंट्स में उड़ता हुआ गॉथम की तरफ आ रहा है, वो एंड टाइम पे बैटकेव के अंदर आ जाएगा। लुइस लेन अभी भी जिंदा है, फर्श पे बैटमैन पड़ा है आधा घायल। अब एंटी लाइफ इक्वेशन तभी इस्तेमाल हो पाएगी, जस्टिस लीग 2 में हमने देखा था कि जब लुइस लेन मरेगी तो डार्क साइड लुइस लेन को मारने के लिए ओमेगा बीम्स निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन सुपरमैन इस बार उसे ऐसा नहीं करने देगा। सुपरमैन गुस्से में पूरी तरीके से बीस्ट मोड में है, वो डार्क साइड को इतनी तेज पंच करेगा
कि वो बैट केव की छत को तोड़ता हुआ वेन मैनर के जो डाइनिंग रूम है वहां गिरेगा जाके, और बेतहाशा डार्कसाइड पे पंचेस मारना शुरू करेगा। अब डार्कसाइड भी सुपरमैन के सामने टिक नहीं पाएगा, वो वहां से भाग खड़ा होगा, यानी कि उसका जो प्लान था एंटी लाइफ इक्वेशन इस्तेमाल करने का वो फ्लॉप हुआ। डार्कसाइड वापस लौट के जाएगा, लेक्स लुथर अभी भी वहां मेट्रोपोलिस पे खड़ा हुआ है तीनों मदर बॉक्सेस के पास। डार्कसाइड क्योंकि बहुत गुस्सा है, वो ओमेगा बीम से लेक्स लुथर को मार देगा, और अर्थ एकलौता ऐसा प्लैनेट जिसने फर्स्ट टाइम भी डार्कसाइड को हराया और सेकेंड टाइम भी उसको चैलेंज किया, डार्कसाइड गुस्से से पूरी तरीके से खौल रहा है। वो मदर बॉक्सेस को और ज्यादा बूस्टअप करेगा, हम देखेंगे मल्टीपल पोर्टल्स खुलने लगे हैं मेट्रोपोलिस शहर पे, और एपोकलिप्स प्लैनेट की सारी आर्मी और जितने भी प्लैनेट्स पे कब्जा किया है डार्कसाइड ने, वो वहां के पूरे डेमन्स को बुला रहा है। दूसरी तरफ लुइस लेन जो अभी भी जिंदा है, जिंदा बच चुकी है, वो सुपरमैन से कहेगी कि उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया था कि लेक्स लुथर जो है वो जस्टिस लीग मेंबर्स को मारने वाला है ताकि हमारी ताकत बढ़ जाए, इसलिए हमें वार्न करना होगा जस्टिस लीग मेंबर्स को ताकि उनकी जान बची रहे। तो सारे जस्टिस लीग मेंबर्स को वार्न कर दिया जाएगा, वंडर वुमेन को बता दिया जाएगा कि डॉक्टर पॉइजन तुमको और अमेज़ॉन्स को मारने वाली है, तो वंडर वुमेन डॉक्टर पॉइजन को उससे पहले ही मार देगी। एक्वामैन को भी वार्न कर दिया जाएगा कि ब्लैक मैंटा और किंग ऑर्म तुम पे सरप्राइज अटैक करने वाले हैं, तो एक्वामैन भी अटैक करने से पहले ही उन्हें मार देगा। यानी जो जस्टिस लीग मेंबर्स मरने वाले थे उन्हें बचा लिया गया है। अब जस्टिस लीग मेंबर जितने हैं वो दोबारा रीयूनाइट होंगे डार्कसाइड के खिलाफ बैटल के लिए मेट्रोपोलिस में। पोर्टल खुला हुआ है, इतने पैराडीमंस हैं कि सूरज ढक गया है, दिन के टाइम रात का माहौल है। जस्टिस लीग मेंबर पैराडीमन से टकराएंगे, लेकिन इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं कि जस्टिस लीग भी उसके सामने स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इस बार जस्टिस लीग अकेली नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन्स पूरी सेना जस्टिस लीग की मदद के लिए आ रही है। एक्वामैन के सेवन सीज के जो किंगडम है वो भी इकट्ठा हुए हैं उनकी मदद के लिए। एक्वामैन कहता है कि एटलांटिस के सोल्जर्स से कि आपसे हमेशा ये बताया गया कि एटलांटिस के 7 किंगडम्स हैं, गलत, एटलांटिस के 8 किंगडम हैं। 8वां किंगडम है धरती वाले, और वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे दोस्त हैं, और हम उनकी मदद करेंगे। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, जिनको ये पता चल चुका है कि पूरा एक ऑल आउट बैटल छेड़ के रखा है डार्कसाइड ने अर्थ पे, इसलिए जितने भी सेक्टर के ग्रीन लैंटर्न्स हैं सबकी ये ड्यूटी है कि अर्थ को डिफेंड करना, तो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की पूरी एक आर्मी आई है जस्टिस लीग के साथ डार्कसाइड के अगेंस्ट लड़ने। सुपरमैन जो कहें तो अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहा है, एक बार अपनी जान कुर्बान कर चुका है, वो इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड न्यूज में टेलीकास्ट हो रहा है, तो जितनी भी दुनिया की आर्मी होंगी वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाएंगी जस्टिस लीग के इस एफर्ट से, और दुनिया भर की आर्मीज, एयरफोर्स और जितने भी इंसान जो हथियार उठा सकते हैं वो सब ज्वाइन कर लेंगे जस्टिस लीग की आर्मी को। यानी अब पूरी दुनिया ही एक जस्टिस लीग बन चुकी है और इनको लीड कर रहा है सुपरमैन। हर इंसान एक दूसरे से कंधा मिला के खड़ा है, वो इंसान जो धर्म, जाति और रंग के नाम पे एक दूसरे से लड़ते थे आज वो यूनाइटेड खड़े हैं। अमेज़न और एटलांटियन जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो भी आज यूनाइटेड खड़े हैं, और दूसरी तरफ है डार्कसाइड और उसकी पूरी पैराडीमन आर्मी। यहाँ पे एक ऑल आउट बैटल होगा, इतना खतरनाक बैटल कि शायद ही किसी ने अपने ख्वाब में भी सोचा होगा, बहुत ब्रूटल बैटल होगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि जस्टिस लीग मेंबर्स यहाँ पे डार्कसाइड की आर्मी को मारते जाएंगे। फ्लैश इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेगा अपने पावर को कि वो एक टाइम पे दो जगह रह सकता है, वो इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है, पूरी की पूरी पैराडीमन की आर्मी को वाइप आउट कर देगा। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स बहुत बहादुरी से लड़ेंगे, पैराडीमन्स को मारते जाएंगे, बहुत ही वॉयलेंट बैटल होगा और जस्टिस लीग इस बैटल को जीत जाएगा। लेकिन कुछ कहें तो कुर्बानी भी देनी पड़ेगी इंसानों को। बैटमैन जो ओमेगा बीम की वजह से घायल था वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। वंडर वुमेन की माँ हेपोलाइटा वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गई, लेकिन वो इस बात की उसे खुशी है कि वंडर वुमेन अब अमेज़न की क्वीन बनने लायक है। सुपरमैन लोगों की नज़रों में एक उम्मीद बन चुका है, एक होप बन चुका है। साइबॉर्ग कहें तो डिजिटल दुनिया का बादशाह बन चुका है, और वो डिजिटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि वो डार्कसाइड की आर्मी को वीक कर देता है, और जो लोग मदर बॉक्सेस की वजह से उसके वश में आए थे दूसरे प्लेनेट में वो भी अब उसकी सोच से आज़ाद हो चुके हैं।
सब जस्टिस लीग मेंबर्स, इंसान, ग्रीन लैंटर्न कॉप्स बैटमैन की लाश के पास खड़े होते हैं, क्योंकि बैटमैन ही वो शख्स है जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। आज इंसानियत की जीत हुई। 20 साल बाद लुईस लेन, जो अब थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, उसके पास बारबरा गॉर्डन आती है। वो ये कहती है कि तुम्हारा बेटा आज वापस आ रहा है, तो क्या तुम उसे सच बता दोगी? लुईस लेन का बेटा वापस लौट के आता है और लुईस उसे लेके बैट केव जाती है और उसे सारी हकीकत बता देती है कि ब्रूस वेन तुम्हारा असली फादर था और वही बैटमैन था। वो उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाएगी जिसमें ये लिखा होता है कि गॉथम सिटी में क्राइम दोबारा बढ़ने लगा है। लुईस लेन अपने बेटे से कहेगी, शायद गॉथम को दोबारा एक हीरो की ज़रूरत है। शाम का वक्त, गॉथम शहर, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन एक बिल्डिंग के ऊपर एक काला केप उड़ता हुआ दिख रहा है। वो सिर्फ केप नहीं है, बल्कि कोई आदमी एक फुल बैटमैन की कॉस्ट्यूम में खड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि लुईस लेन का बेटा है, जो अब गॉथम का नया बैटमैन है। और यहीं पे स्नाइडरवर्स के पूरे आर्क का एंड होता है। ये स्टोरी जैक स्नाइडर के स्टोरी बोर्ड से इंस्पायर्ड है, लेकिन जब भी कोई डायरेक्टर स्टोरी बोर्ड्स को मूवी में चेंज करता है तो कई बार बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, और ये चेंजेस जैक स्नाइडर भी लेके आए थे स्नाइडर कट में अपने नाइटमेयर के सीन में, जहाँ पे डेड शॉट की जगह डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर मौजूद है और ग्रीन लैंटर्न की जगह जोकर का कैरेक्टर मौजूद है। और ब्रूस वेन और लुईस लेन के बीच में जो रोमांटिक रिलेशनशिप वाला सब प्लॉट था स्टोरी बोर्ड्स में, वो जैक स्नाइडर की स्नाइडर कट में नहीं होने वाला था फ्यूचर में। यानी कि स्टोरी बोर्ड्स और जो फ्यूचर में अगर जैक स्नाइडर रिस्टोर करते हैं अपने विजन को, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। तो गाइस, क्या आपको वीडियो पसंद आया? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।